10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पे इस वक्त इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है और तमाम जो राजद के कार्यकर्ता हैं वो इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं। साथ ही जो भी विपक्षी पक्ष के जो भी नेता हैं वो शामिल हुए हैं। खास बात है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इफ्तार पार्टी में शामिल है और उनके साथ भाजपा के कद्दावर नेता शहनवाज हुसैन, साथ ही चिराग पासवान भी इस इफ्तार पार्टी में शामिल हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो राजनेता हैं, जो भी अलग अलग दलों के हैं, सभी इस इफ्तार पार्टी में शामिल हैं और तकरीबन हजारों की संख्या में लोग लगातार आ रहे हैं और इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं और बिहार के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और इसे इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कहां से आए भैया? हम आए हैं पटना से। इस इफ्तार पार्टी को कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार भी शामिल हुए हैं आरजेडी की ओर से, 4 सालों के बाद इफ्तार पार्टी किया जा रहा है। नहीं, 4 साल के बाद नहीं, यहाँ हर साल होता है, लेकिन 2 साल लॉकडाउन की वजह से इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं हो पाया था। इस बार 2 साल के बाद हुआ है और देखिए कितनी संख्या में आरजेडी कार्यालय में लोग हकीकतमंद जो रोज़ा रखते हैं वो लोग पहुँचे हुए हैं। और जहाँ तक माननीय नीतीश कुमार की है तो मुख्यमंत्री हैं और उनको इन्विटेशन था तो आएंगे ही। गंगा जमुनी तहजीब का एक जीता जागता उदाहरण देखने को मिल रहा है। देखिए राजद जो है हमेशा से सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ा, ये सभी धर्मों को सभी जात को लेके चला और इसमें सभी वर्ग जो है इसमें राजद में शामिल हैं और इसीलिए इफ्तार पार्टी का भी आयोजन किया गया है। आप राजद कार्यकर्ता हैं? नहीं, राजद कार्यकर्ता हम नहीं, आम आदमी। हाँ, आम आदमी। तो आम आदमी भी इसमें बढ़ चढ़ के शामिल हो रहे हैं, कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? कहाँ से है? जी, हम लोग खगड़िया के। खगड़िया से जी, इफ्तार पार्टी में शामिल? जी हाँ। क्या कहेंगे उतने दिनों के बाद, इफ्तार पार्टी 2 सालों के बाद हो रहा है, कैसा? खुशी की बात है, इससे और क्या हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद शामिल हुए हैं जी, और खुशी की बात है। कैसे देखते हैं? अच्छी बात है। अच्छा, आपको लगता है कि जेडीयू को राजद के साथ आ जाना चाहिए? उस पर पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं, यहाँ तो इफ्तार के मामला में, और अच्छी बात है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा धीरज सिंह यादव नाम हुआ। और इस इफ्तार पार्टी को कैसे देखते हैं आप? ये सांप्रदायिक सौहार्द का पर्व है और ये रमज़ान का पावन महीना है। इसमें जो है कि रहमतों की बारिश होती है, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है और ये जो है कि ये नफरत के दौर में मोहब्बत फैलाने का एक जो आयोजन है। सभी लोग आए हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं और ये तो विशेष रूप से जो है कि रमज़ान का महीना है, मुसलमान भाई लोग इसमें जो है नमाज अदा करते हैं। सभी पार्टियों के नेता शामिल हुए हैं, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद आए हुए हैं, इसको कैसे देखते हैं? होना ही चाहिए, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, सभी लोग जो है क्या है, ऐसा पर्व है कि सब लोग आए और सब लोग साथ में मनाए। राजनीति अपनी जगह है। आपको लग रहा है कि इस इफ्तार पार्टी के बाद कुछ बिहार के राजनीति में नया देखने को मिलेगा? बिल्कुल, बिल्कुल जगह पर है ये धर्म अपन जगह पर है, राजनीति अपन जगह पर है, ये समाज में सभी लोगों को मिल के धर्म को मानना चाहिए, हर आदमी को हर धर्म के प्रति है एक दूसरे धर्म को मानना चाहिए। ये धर्म जो है, ये जो रोज़ा जो है, ये इस्लाम धर्म का बहुत बड़ा पवित्र धर्म है, इसलिए सभी भाइयों बंधुओं को, पूरा बिहार के नागरिक को, देश के नागरिक को, आम आदमी को, हर धर्म को मानने वाले लोगों को इस धर्म को मानना चाहिए। हम लालू जी शुरू से खिलाने पिलाने में आगे रहते हैं, चाहे तो मकर संक्रांति हो या होली हो या तो ये पर्व हो, मैं हमेशा खिलाने में आगे रहते हैं और लालू जी के आने के बाद भी ये दोबारा माहौल बना हम लोग का, इसका हमेशा होता रहता है। तो बिल्कुल जो भी लोग हैं यहाँ शामिल हो रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि सभी धर्मों के लोगों को, सभी लोगों को इसमें से बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, आपसी सौहार्द इससे बढ़ता है। लेकिन जिस तरह आज की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार की मौजूदगी है, बीजेपी के तमाम जो कद्दावर नेता हैं वो भी शामिल हुए हैं, चिराग पासवान शामिल हुए हैं, तो आने वाले दिनों में ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि बिहार के राजनीति में कुछ नया देखने को मिल सकता है। पटना से पंजाब के सिटी टीवी के लिए मैं अभिषेक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।